उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच की जंग में अब एक नया मोड़ आ गया है। नीतीश कुमार पर हमला करते करते कुशवाहा ने अब लालू प्रसाद को भी अपने निशाने पर ले लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के साथ साथ लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल पर भी सवाल उठा दिए। लालू नीतीश पर एक साथ हमला बोलते हुए कुशवाहा ने आरोप लगाया कि दोनों ने 35 साल तक बिहार पर शासन किया और अति पिछड़ों का हक मारा। जगदेव जयंती के बहाने सत्ताधारी आरजेडी और जेडीयू कुशवाहा समाज के वोटर्स की गोलबंदी चाहती है। इधर जेडीयू दो भागों में बंट गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के अंदर रहकर ही नीतीश कुमार की नीतियों का खुल्लम खुल्ला विरोध किया। वो अपनी पार्टी और गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के आरोपों का जवाब जदयू को नहीं सूझ रहा। जगदेव प्रसाद की जयंती पर उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के साथ साथ आरजेडी पर भी जमकर हमला बोला। आरजेडी के द्वारा अगड़ों पिछड़ों को लेकर दिए गए बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 32 साल से इन्हीं लोगों की सरकार है, इन लोगों ने पिछड़े लोगों को क्या दिया है। कुशवाहा ने लालू नीतीश राज पर हमला बोला और कहा कि पहले 15 साल और अब 17 साल में अति पिछड़ों की हक मारी हुई है। आरजेडी के लोग 10% लोगों के शासन की बात कह रहे, इन लोगों ने पिछड़े लोगों को क्या दिया है। कुशवाहा ने लालू नीतीश राज पर हमला बोला और कहा कि पहले 15 साल और अब 17 साल अति पिछड़ों की हक मारी हुई। आरजेडी के लोग 10% लोगों के शासन की बात कह रहे, आज भी 10% लोग ही सत्ता में बने हुए हैं, केवल एक परिवार का शासन चल रहा है। आरजेडी के विरोध में ही जेडीयू का जन्म हुआ। आज नीतीश कुमार इस बात को भूल चुके हैं। लोगों को ये बात समझनी होगी। जेडीयू भी आज आरजेडी की तरफ देख रहा है, इससे पार्टी कमजोर हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राजद से क्या डील हुई है ये भी बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजद के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार गद्दी छोड़िए, ऐसे में जगदेव बाबू के सपने को हम लोग कैसे पूरा करेंगे। जदयू कमजोर हो रहा है, हमें उसे मजबूत करना है। नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताएं कि डील क्या हुई है। जदयू की तरफ से भी कुशवाहा समाज के वोटर्स को साधने के लिए जगदेव प्रसाद की जयंती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के तमाम कुशवाहा नेता एक मंच पर दिखाई दिए, सिवाय उपेंद्र कुशवाहा के। कार्यक्रम में मौजूद सभी नेताओं के निशाने पर भी उपेंद्र कुशवाहा ही रहे। नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा अलग जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई जा रही है। इस मामले में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि कौन क्या कर रहा है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी पूरे बिहार में सभी प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय में अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मना रही है। रिपोर्ट न्यूज़ इंडिया।